अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। Assalamualaikum guys, welcome to our new vlog। तो गाइज आप लोगों का स्वागत है हमारी एक और वीडियो में। आज हम लोग रोज़ा खोलने के लिए बाहर जा रहे थे। एक्चुअली क्या हुआ बोले तो हम लोग की वजह से ही लेट हो गया, तो हम लोग रास्ते में रोज़ा खोल के बाहर डिनर के लिए जा रहे, तो हम लोग आपको वो भी बताना चाह रहे हैं क्योंकि व्लॉग्स में सब रियल रहता है, इसलिए सब रियल बताना चाह रहे हैं कि रास्ते में रोज़ा खोल रहे सब बताना चाह रहे हैं हम लोग। देख सकते हैं आप सामने फ्रूट शॉप्स है, वहाँ से जो है थोड़ा बहुत कुछ ले लेंगे, ले लेके रोज़ा खोल के फिर हम लोग जाएंगे डिनर करने के लिए। बिस्मिल्लाह, अभी हम लोग रोज़ा खोलने वाले हैं, दुआ पढ़कर। गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग रोज़ा खोल लिए, अब यहाँ से कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, आप लोगों को पूरा बताएंगे। और देख सकते हैं भाई बैठ के पानी पी रहे, माशाल्लाह नेक हिदायत है अल्लाह ताला हर किसी को। चलो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। और ये कोसी रेस्टोरेंट है, मालूम करना है तो कमेंट लिख के डालो, मैं इसमें रिप्लाई कर दो। और एक्चुअली क्या है बोले तो हम लोग ऑर्डर कर चुके हैं और ऑर्डर बन रहा अंदर। ऑर्डर आए बाद बताएंगे आपको क्या क्या ऑर्डर करें हम लोग। क्या भाई, हेलो, कैसा कंडीशन है आपका बोलो रोज़ा खोलने के बाद? फेस देख के तो पता चल चुका होगा सबका कैसी कंडीशन में है हमला। ऑर्डर तो दीजिए, इंशाल्लाह आएगा, खाएंगे दबा के। आज रोज़ा अपन रोड पे खोले भाई। भाई अभी नहीं, भाई मेरे भूख लगी रही, अभी रोज़ा खुल के हम लोग, अभी आधा घंटा हो गया रोज़ा खुल के, खाते खुद बात करेंगे अपन। नायफ को दियो भाई, नायफ से बात करो, क्या करना है भाई। हम लोग ऑर्डर क्या से वेट कर रहे हैं, अब क्या क्या ऑर्डर करे कुछ भी नहीं मालूम। सैमी भाई अब ऑर्डर आने के बाद दिखाएंगे अपन क्या क्या है। क्या बोलते हैं बोलने की कंडीशन में नहीं दिख रहे आप? कुछ बोले जैसा नहीं है, रोड पे रोज़ा खोले, जैसा डेली रोज़ा खोल के पूरा पेट भर के खा के स्टार्ट करते थे, कहीं भी जाना करना बाहर निकलते थे, वैसा कुछ भी नहीं है कंडीशन, पूरी थके हुई है हालत। सेम यार, हालत बहुत थकी हुई है अभी तो फिलवाल। रोड पे रोज़ा खोले और ऊपर से घर पे खोलते थे रोज़, खोल पे या कहीं बाहर निकल के खोलते थे, अभी रोड पे खोले कंडीशन बहुत ख़राब है। पूरे बोलिए तो सुन लिया होंगे, मिलने को बचा नहीं, अब खाए बहुत बोलेंगे। रोड पे रोज़ा खोलने को तो खोल लिए, अब आके भूख लग रही है अब। एक्चुअली हम लोगों को आधा घंटा इसलिए हुआ, रास्ते में हमने बहुत से रेस्टोरेंट देखे, कहाँ खाएंगे बोलकर सब जने अलग अलग नाम लिए, बट ये कुछ अच्छा दिखा सैमी भाई और अफ्फू, तो हमने यहाँ पर आ चुके। बेहतरीन प्लेस है, आपको अगर मालूम करना है तो कमेंट लिख के डालो, मैं बता दो कुछ। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सूप आ चुका है, जैसे कि हम लोगों ने ऑर्डर किया था चिकन हॉट एंड सॉर सूप, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट रहता है इसका, इसलिए मेरे को मेरा फेवरेट है ये, इसलिए मैं ये ही ऑर्डर करा। तो अब हम लोग सूप पीने वाले हैं, चलो लेट्स गो। cool.
तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये है तंदूरी चिकन। तो गाइस देख सकते हैं आप ये है तंदूरी चिकन जो हम सब मिलके खाने वाले हैं। आप बहुत ही इंतजार के बाद आ चुका है तंदूरी चिकन, अब हम इसको खाने वाले हैं। चलो हाथ रखो। तो गाइस देख सकते हैं आप आ चुका है बटर चिकन और बटर नान और स्पेशल मटन करी, उसमें एग भी है और अभी हम लोग खा के बताएंगे उसका टेस्ट कैसा है। ये स्पेशल वो है करी मटन करी ट्रिपल के मटन है। हाँ लेकिन मेरे को टू के चाहिए एक हड्डी है। तो गाइस अभी मैं बटर चिकन खा के बोलने वाला हूँ कैसा है। बटर चिकन एकदम माइल्ड है, अच्छा है, बच्चे भी खा सकते हैं छोटे, स्वीट रहता है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं रहता। और जो मटन करी है वो जो है वो ही मस्त है, माशाल्लाह बहुत टेस्टी है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग चिकन और बटर चिकन बटर नान खा लिए, अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग बिरयानी का और यहाँ की बिरयानी बहुत टेस्टी रहती, मटन बिरयानी स्पेशली। तो अब हम लोग खाने वाले हैं मटन बिरयानी, तो थोड़ा सा वेट करिए आप। भाई फुल ले लो, उनके साथ ले लो, उनकी भी मेमोरी रहती यादगार। तो गाइस ये कौन सी होटल है आप कमेंट करके बताएं, अगर कभी आप आए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, लेकिन हम लोग तो नहीं बताने वाले, सिर्फ कमेंट में रिप्लाई आने वाला है। अब वो डिश आ चुकी है गाइस जिसका सबको इंतज़ार है और सबको रहता, बिरयानी। पेट फुल हो गया फिर भी बिरयानी तो
बनती है, हैदराबादी स्पेशल जायकेदार बिरयानी। तो गाइस बहुत अच्छा था, जे सो मेरे को मटन आगे बोलो क्या बोलो, तो बोल दिए दूसरा बोलो जी कुछ नहीं भाई, मेरे को जो पसंद आया वो बोलो। क्या पसंद था? तो भाई मेरे को पसंद जो है सो मटन करी जबरदस्त दिखी भाई, मेरे को ऑसम था। आपको क्या पसंद था? सब टेस्टी था भाई। अब जो आने वाली है ना बिरयानी, हैदराबाद का दूसरा नाम बिरयानी। अब से ऐसा हो जाएगा भाई, कहाँ रहते वो तो बिरयानी में रहता हूँ, कहाँ रहते वो तो बिरयानी में रहता हूँ। बहुत अच्छा था भाई, बोले जैसा कौन सा मटन करी यहाँ की फेमस थी, मैं रेस्टोरेंट का नाम कर रहा था, रोक लिया। कमेंट में जरूर। खाली है अब बिरयानी का इंतजार है। लो यार बिरयानी लो, हैदराबादी लैंग्वेज में बोलते हैं इसको बिरयानी। मेरा तो पेट भर गया था भाई, लेकिन सैमी भाई बोले बिरयानी टेस्ट कर लेंगे। मैं बोला ठीक है, हाँ बिरयानी तो टेस्ट करना जरूरी है अपने को, कितना भी खा लो। आप टेस्ट करके भरोसा, आप बोले ना इसलिए ले रहा हूँ मैं। मसाला बहुत जबरदस्त दिख रहा। तो गाइस देख सकते हैं आप, मटन नहीं ले लो, पहला निवाला मैं लेके खा के बताऊंगा आप लोग जल्दी। माशाल्लाह भाई सच में बहुत जबरदस्त है। कम टेस्ट गाइस, बहुत बेहतरीन। और एक बात, इतना अच्छा टेस्ट है, आप ही कमेंट करके बताओ ये कहाँ का है, हम लोग तो बताने वाले नहीं है। मेरे को इनका रिएक्शन देखना है भाई का। चलो भाई बोलो कैसा है, टेस्ट करो पहले। वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। इसमें तो मीम बनता है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट है। लेकिन आप लोग आ सकते हैं, कमेंट में जरूर बताना कौन सा रेस्टोरेंट है, जब भी आपको मालूम होगा। तो गाइस डिनर हो चुका है, अब हम लोग हैंड वॉश कर रहे हैं और इसके बाद वीडियो ख़त्म होने वाली है। उससे पहले जो बोलना है वो हम लोग वहाँ ठहर के बोलेंगे। यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि खाने के बाद तो बात नहीं कर सकते, फिर भी कोशिश करेंगे आप लोगों को कुछ ना कुछ दिल के बात शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। क्या हाँ थोड़ा सा सबर कर लो, वेट एंड वॉच। हमारे नायब भाई वेट एंड सी, डोनट्स को वड़ा और जो है खट्टा बहुत वायरल जा रहे हैं ना, जरा इनको पहले अकाउंट अपना प्लस में। आफ्ताब भाई जो बोले वो सच हुआ, देखो हम लोग पूरा सताइब कर दिए मसला, तुम्हें बचाए पेट फुल हो चुका है, अब दबा के जाके तरामिया पढ़ के सो जाना है। क्या भाई क्या आफ्ताब भाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? भाई आफ्ताब भाई कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो हर कोई रेस्टोरेंट में करने से पहले 10 बार सोचते नहीं कर देते। ये वो चीज है जो हम लोग छोटे रहने करते थे, जब भी हम लोग एक घर वालों के साथ होटल को जाते तो सौंफ चुराते थे। गाइस गौर से देखिए, यही है वो चोर जो सौंफ चुराया जा रहा है। गाइस रमजान के महीने में चोरी की जा रही है, देख सकते हैं आप, पूरा उंडल लिया जा रहा है। गाइस हार गई सनराइजर्स। भाई सबको बांटना है तो पेट में दर्द होता। हाँ इसमें से मेरा भी हिस्सा है। तो गाइस चोरी करने के बाद चोर के एक्सप्रेशन देखो कैसे। भाई हाथ में क्या है? अरे वो हाथ में क्या है भाई, वो हाथ में क्या है जी? गाइस देख सकते हैं आप, वर्ल्ड कप हाथ में इनके। भाई हमूद भाई को बताओ, हमूद भाई जैसे हमूद भाई क्या कर रहे हैं? हमूद भाई
भाई की पूरी मेहनत है माशाल्लाह से। नहीं नहीं ये नॉर्मल कैन है। अच्छा, और जैसो हमूद भाई की पूरी मेहनत है भाई, जब से उन्होंने लिए थे वीडियो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त लिए। आप लोग देख सकते हैं कैसी ले रहे हो वीडियो। माइक सीधा रखो, कितना भी उल्टा सीधा करने तो आवाज एक ही जाती है भाई। सही। तो गाइज ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भी अंदाज़ा घटता है कि आप लोग फ्रेंड्स के साथ बाहर गए तो कितना बिल होता है। मतलब एक हम लोग 11 लोग हैं, इतना मस्त खाने के बाद में भी आप देख सकते हैं सिर्फ 5674 रुपीज़ बिल हुआ और मस्त खा लिए हम लोग माशाल्लाह से। अच्छा पेट भर के खाए और हर चीज़ अच्छी थी, टेस्टी थी। ये बिल बताने का मकसद यही है कि आप लोग को भी एक अंदाज़ा घटे कि आप लोग को अगर बाहर निकले तो आप लोगों को कितना खर्चा होता। तो ठीक है गाइस, हम जल्दी ले आओ, कमेंट ना करो, रेस्टोरेंट का नाम पूछ लो। और ये लास्ट में ये एक फ्री दे रहा है। फ्री नहीं है वो, गरम लेके जाके ठंडा लेके आए। यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं मिलता गाइस, सौंफ के अलावा। सौंफ सौंफ कहाँ है भाई, वहाँ जाके बढ़ गए फिर, वहाँ की भी सौंफ गायब भाई। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग डिनर कर चुके हैं, अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। तो गाइस आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलो गाइस। अल्लाह हाफिज़।